नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिका में डेमोक्रेट जो बाइडेन ने जीती राष्ट्रपति की रेस। ट्रंप को बड़े अंतर से हराया। जो बाइडेन को मिले 290 जबकि ट्रंप के हिस्से में 214 इलेक्ट्रल वोट। जीत के बाद बोले बाइडेन, देश ने दिया भरोसा, खरा उतरने की करूंगा कोशिश। जिसने वोट दिया हो या ना दिया हो, सबको साथ लेकर चलूंगा। अमेरिका की अगली उपराष्ट्रपति होंगी भारतीय मूल की कमला हारिस। 14 दिसंबर को इलेक्टर्स करेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। भारतीय अमेरिकी और दक्षिण एशियाई प्रवासी लोगों वाले राजनीतिक संगठनों ने कमला हारिस की जीत को बताया बड़ी बात। इस जीत से साफ हुआ कि अश्वेत लोग भी अमेरिका का हिस्सा। जो बाइडेन के भाषण के दौरान जमकर आतिशबाजी। लोगों ने आसमान में लिखा बाइडेन हैरिस का नाम। भाषण के दौरान बाइडेन और हैरिस का पूरा परिवार मौजूद। लाल सफेद नीली रोशनी में नहाया न्यूयॉर्क का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। राष्ट्रपति चुनाव पर आए फैसले के सम्मान में अमेरिकी झंडे के रंग में बिल्डिंग पर बिखेर दी गई रोशनी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी करते हुए बाइडेन को दी जीत की बधाई। दोनों देशों को साथ मिलकर काम करने की बात कही। इससे पहले भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा के कई राष्ट्राध्यक्ष दे चुके हैं बाइडेन को बधाई। जो बाइडेन की जीत पर खाड़ी देशों के शेयर बाजार पर असर। सऊदी अरब के शेयर मार्केट के शुरुआती कारोबार में गिरावट। विश्लेषकों की माने तो बाइडेन का जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना तेल के कारोबार के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ब्रिटेन के सेना प्रमुख ने विश्व की मौजूदा स्थिति पर जताई चिंता। कहा कोरोना और डूबती अर्थव्यवस्था के कारण विश्व युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। दुनिया भर में अब तक 5,03,69,000 कोरोना पॉजिटिव जबकि 12,57,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन ने कांटे की टक्कर में मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप को हराकर इतिहास रच दिया। अगले 20 जनवरी को बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आ चुका है। जो बाइडेन ने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर इतिहास रच दिया है। अब बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। चुनाव के दिन से ही ये साफ होने लगा था कि डेमोक्रेट जो बाइडेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। हालांकि मतगणना के आखिरी दौर में बाइडेन की जीत पर मोहर लगी। शनिवार को जैसे ही बाइडेन की पेंसिल्वेनिया में जीत की खबर आई, इस मुकाबले का अंत हो गया। 20 इलेक्टोरल वोट वाले पेंसिल्वेनिया में जीत का मतलब था कि बाइडेन 270 के जादुई आंकड़े से आगे निकल गए हैं। वहीं इस जीत पर बाइडेन ने अमेरिकी जनता का आभार जताया। The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory. A victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. जो बाइडेन ने कहा कि वो ऐसा राष्ट्रपति बनने का वादा करते हैं जो तोड़ने की बजाय जोड़ने का काम करेगा। जो बाइडेन ने कहा कि वो लाल रंग वाले राज्य या नीले रंग वाले राज्य नहीं देखेंगे बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका को देखेंगे। बाइडेन ने यह भी कहा कि वो दिल से कोशिश करेंगे कि सबका भरोसा जीत सके। बाइडेन ने अफ्रीकी अमेरिकी वोटरों का खास तौर से धन्यवाद किया जिनकी वजह से उनके प्रचार को बढ़त मिली जब वो शुरुआती मुकाबले में पिछड़ रहे थे। बाइडेन ने ऐलान किया कि राष्ट्रपति बनते ही उनका पहला काम कोरोना पर काबू करना होगा। बाइडेन ने ट्रंप समर्थकों को भी संबोधित किया और कहा कि आज के दौर में हमें कड़वाहट भरी बयानबाजी से दूर रहकर मिलकर काम करना है। आज तक ब्यूरो। गोल्फ के प्रति डोनाल्ड ट्रंप की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है, मगर जब ट्रंप को हार के बाद लोगों का सामना करना चाहिए था तो वो गोल्फ खेलने चले गए। दुनिया भर में कई गोल्फ कोर्स के मालिक ट्रंप का गोल्फ से खास लगाव रहा है। गोल्फ खेलती उनकी ऐसी तस्वीरें भी कई बार सामने आ चुकी हैं, पर इस बार की तस्वीर बेहद खास है क्योंकि इसकी टाइमिंग भी खास है। इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ कोर्स में पहुंचे तो उसके कुछ ही घंटे पहले वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की कुर्सी गंवा चुके थे।
अमेरिकी न्यूज चैनलों ने बाइडेन को विजेता घोषित किया नहीं कि ट्रंप इन सब राजनीतिक हलचलों को पीछे छोड़ते हुए गोल्फ खेलने के लिए व्हाइट हाउस से सीधे वर्जीनिया के स्टर्लिंग में बने ट्रंप नेशनल गोल्फ कोर्स पहुंच गए। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे गोल्फ से उठाए ट्रंप गोल्फ कोर्ट में घूम रहे हैं तो दूसरी तस्वीर में हंसी मजाक करते हुए गोल्फ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को देखकर ये बताना काफी मुश्किल है कि ट्रंप पर उस समय क्या बीत रही होगी, क्योंकि जब वो गोल्फ का आनंद ले रहे थे तब अमेरिका के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने जो बाइडेन को देश का अगला राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। ट्रंप जैसा नेता चुनाव हारने के बाद एक बार भी लोगों के पास न जाकर गोल्फ खेलता मिले तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लाजमी है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ट्रंप का ये तरीका गम भुलाने का लगे तो कुछ को पत्रकारों के सवालों से बचने। खैर, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ ट्रंप ही दे सकते हैं जो अब अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहे। आज तक ब्यूरो। कांटे की टक्कर के बाद अब अमेरिका की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की दौड़ की टक्कर जो है वो साफ हो गई है। लंबे दौर की काउंटिंग के बाद बाइडेन को बहुमत मिला तो खुद कमला हैरिस ने जो बाइडेन को फोन करके बधाई दी। उन्होंने जो बाइडेन को फोन करते हुए कहा कि हम लोगों ने कर दिखाया, आप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। कमला हैरिस ने फोन किए जाने वाले वीडियो क्लिप को ट्विटर पर लोगों के साथ खुद शेयर किया। आपको बता दें कि काउंटिंग की लंबी खींचतान के बाद जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए बहुमत मिला वो 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही उनकी सहयोगी भारतीय मूल की कमला हैरिस भी उपराष्ट्रपति बन गई हैं। We did it, Joe. You're going to be the next president of the United States. डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले जो बाइडेन 1 करोड़ से ज्यादा अप्रवासी लोगों को नागरिकता देंगे। बाइडेन का 1,10,00,000 अप्रवासी लोगों को नागरिकता देने की दिशा में रोडमैप बनाने पर काम करने की बात सामने आई। आपको बता दें कि जो बाइडेन ने चुनाव अभियान के दौरान अप्रवासी लोगों को नागरिकता देने की बात कही थी। खबर है कि बाइडेन शपथ के तुरंत बाद इसे लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। अगर बाइडेन इस तरफ किसी तरह का फैसला करते हैं तो इसका सीधा फायदा अमेरिका में रह रहे उन 5,00,000 से ज्यादा भारतीयों को मिलेगा जिन्होंने अमेरिका की नागरिकता की तलाश है। साथ ही जो बाइडेन अमेरिका में शरण लेने वाले न्यूनतम शरणार्थियों की संख्या को भी निर्धारित कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेट जो बाइडेन की बड़ी जीत के साथ ही जश्न भी शुरू हो गया। परिणाम के ऐलान के साथ ही 4 दिन का लंबा इंतजार भी खत्म हो गया। बाइडेन के हाथ अमेरिका के कमान जाते देख उनके उत्साही समर्थक सड़कों पर उतर आए, जश्न में डूब गए। देश भर में बाइडेन समर्थक जश्न मना रहे हैं। जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के ऐलान के बाद से अमेरिका में जश्न का माहौल है। बाइडेन की जीत की खबर के बाद उत्साही समर्थक सड़कों पर उतर आए और खुशी में नाचने गाने लगे। समर्थकों ने हॉर्न बजाकर थाली पीट कर अपनी खुशी का इजहार किया। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का 4 दिनों से चल रहा लंबा इंतजार शनिवार को खत्म हो गया। डेमोक्रेट जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत दर्ज की है और मौजूदा राष्ट्रपति और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया। ट्रंप की हार के साथ ही बाइडेन के लिए व्हाइट हाउस का रास्ता साफ हो गया है। बाइडेन अब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे और अगले साल 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। जो बाइडेन के जीतने के बाद उनके उत्साहित समर्थक सड़कों पर उतर आए और जश्न में डूब गए। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर बाइडेन समर्थकों का जमावड़ा दिखा, लोग झूमते नाचते नजर आए। अमेरिका में जो बाइडेन की जीत पर हुए जश्न से जाहिर हो रहा है कि कई लोग जीत से ज्यादा ट्रंप की हार से खुश हैं। कई अमेरिकी ट्रंप को देश का माहौल खराब होने के लिए दोषी मानते हैं। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक जो बाइडेन को 290 इलेक्टोरल वोट मिले हैं जबकि ट्रंप 214 वोट पर थम गए। बहुमत के लिए 270 का ही आंकड़ा चाहिए जिसे बाइडेन ने आसानी से पार कर लिया है। आज तक ब्यूरो।
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सरकार के विरोध में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने संविधान को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के साथ प्रधानमंत्री से पद छोड़ने की अपील की। बेकाबू भीड़ और उस भीड़ पर पानी की बौछार करती पुलिस। तस्वीरें थाईलैंड की हैं, जहां सरकार और राजशाही के खिलाफ रुक रुक कर आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। कभी लोग राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो कभी वहां की सरकार के खिलाफ। पुलिसिया डंडे और पानी की बौछार सहते ये लोग सरकारी तंत्र और राजशाही में सुधार के लिए विरोध कर रहे हैं। सरकार को इनका विरोध इतना नागवार गुजरा कि पूरा प्रशासनिक अमला इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उठा। लोगों को रोकने के लिए वहां की सरकार ने भारी भरकम पुलिस बल लगा दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार और कटीले तार लगा दिए। प्रदर्शनकारी ग्रैंड पैलेस के पास प्रदर्शन करना चाहते थे। आपको बता दें, ग्रैंड पैलेस वही इमारत है जहां थाईलैंड के राजा रहते हैं। लोगों की मांग है कि प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ें, साथ ही राजशाही में सुधार के लिए वहां के संविधान में जरूरी बदलाव हो, जिससे वहां की सरकार और राजशाही अधिक पारदर्शी और लोगों के प्रति जवाबदेह बने। कभी सैन्य अधिकारी रहे प्रयुथ ने साल 2014 में तत्कालीन सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता हथियाई थी। इसी के बाद से वहां लोगों में सरकार और राजशाही के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। आज तक ब्यूरो दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।